नबी कुश्ती लड़ने आता है क्या? आपके मौलाना साहब बहुत बड़े, मौलाना साहब बहुत बड़े, आप हजरत के खलीफा हैं, आइए कुश्ती लड़के दिखाइए हमसे। तो क्या कहेंगे, भैया माफ करो, मैं तो दीन की बातें बतलाने आया हूं, तो मुझे कुश्ती लड़ने आया हूं। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी दुश्मनों की हसरत पूरी कर देते हैं। प्यारे आका जिनको लोग गाली दे रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, और आप दुआ दे रहे हैं, मजलूमियत से सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और रुकाने जैसे पहलवान के दस दस लोग जिसको हिला ना सके, चमला फट जाए वो ना हिले, और वो कह रहे हमसे कुश्ती लड़ लो, अल्लाह के नबी हो तो कुश्ती लड़ लो, क्या मंजर होगा। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मौजज़ात भी दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के खातिर जो 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 मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं वो मजबूरी की नहीं थी, इख्तियारी थी। ताइफ में जब बदतमीजों ने बदतमीजी की रिकॉर्ड तोड़ा था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया था कि जाओ मेरे महबूब से कोई इजाजत दे, तो दोनों ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान चक्की के दो पहाड़ की तरह पीस के खत्म कर दो, इख्तियार दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिब्रील नहीं नहीं अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो उनकी औलादें ईमान लाएंगी, हम इनको हलाकत की बद्दुआ नहीं करेंगे। हमारा आपका काम यह है कि 24 घंटे खाली बद्दुआ करते रहते हैं, मर्द जो है हुकूमतों को बद्दुआ देते रहते हैं, हमारे घर की खवातीन वो तो कोसने में स्पेशलिस्ट होती है, जरा जरा सी बात पे मर जाए, रात के अंधेरे में मर जाए, कोई तुम्हारा जनाजा ना पढ़ने वाला मिले, अपने बच्चों को कोसती। उल्मा ने मना किया, औरतें सुन ले, तुमने अपने बच्चों को कोसा, अगर फरिश्ते ने आमीन कह दिया, अब बच्चे पर मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, कोई खतरात आ गए, तो अब रो रही है, मौलाना तावीज दे दो, मौलाना दुआ कर दो, मेरा बच्चा बड़ा हुआ, अरे तुम्हारी बद्दुआ लगी है उसको, अपनी जबान को कंट्रोल करो, अपने बेटे को कोस रही हूं बैठ के। मेरी नानी मरहुमा, मैंने बहुत गौर किया बाद में समझ में, जब बड़े हुए हम लोगों को कभी डांटती थी तो डांटने में भी बदबख नहीं करती थी, 2500-2500 मरतबे उनसे सुना गुस्सा है, ए नेकबख्त, बहुत सारे गुस्से में बोली नेकबख्त, उसमें भी नेकबख्त कहती थी, बदबख्त नहीं कहती थी, जबान पर कंट्रोल। खैर, वो पैगंबर जो इतना मजलूम है मक्के में, और रुकाना उनसे कुश्ती बोल रहे, और नबी ने कहा चलो ठीक है लड़ लो कुश्ती आओ। क्या मंदर रहा होगा, ईमानदारी से बतलाओ, हैरान मक्के वाले, ये आज क्या सूरत हाल है, रुकाना से कुश्ती, पूरी दुनिया में कोई उनसे आंख मिलाने को तैयार नहीं, और मोहम्मद जैसा कमजोर आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, वो कुश्ती लड़ेंगे रुकाना से, हाँ लड़ लो कुश्ती, ये भी तुम्हारी हसरत पूरी कर दे। पढ़िए जरा सा, पढ़िए पैगंबर से कुश्ती, जो पैगंबर ने कबूल कर लिया, जैसे कुश्ती के मैदान में आए और हाथ मिलाते ही जैसे होता है दांव, वो रुकाना दांव का खेलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिकंटों में जो मारा उसको चपर उठा लिया गोद में, यूं दस दस आदमी जिसको हिला ना पाए, और गोद में उठाकर का फेंके जैसे छोटे बच्चे बिल्कुल लाचार कमजोर फेंके, और फिर आपके रहमत जोश में आई कि फेंकेंगे तो खबर वर की हड्डी वड्डी टूट जाएगी, तो शराफत से चुप्पे से जमीन में लिटा दिया। समझ में नहीं आया जो लोग वहां थे ना उनको रुकाने को, ये हुआ क्या, मतलब बिल्कुल तसव्वुर के खिलाफ है कि ये क्या हुआ। वो जितनी देर में समझे समझे उतनी देर में नबी के गोद में, तो अब आदमी कहता है ना कभी कभी जब हार जाता है, फिर से नबी ने कहा फिर से आ जाओ, तुम चूक गए, धोखा लग गया, फिर से आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया और जरा ऊपर किया, फेंके, ये कुव्वत दी थी अल्लाह ताला ने, मैं ये बतला रहा हूं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन कुरान जब उतरता था तो नबी की उठनी बैठने लगती थी, हजरत आयशा की रान की हड्डी टूटने लगती थी, प्यारे आका के का पेशानी से पसीने बहने, पसीने की बूंदे जाहिर हो जाती थी, ये अल्लाह का कलाम है। ऐसा अजीम कलाम ये इन बच्चों को सीने में, मैं सुबह छोटे छोटे बच्चे, मैं मौलाना मुबशीर साहब से पूछ रहा था कि सबकी वजह कदा ठीक है लोगों की, ऐसे होते नहीं सब गड़बड़ सड़बड़ है, कहने लगे अक्सर लोगों की तो, अक्सर बच्चों की तो दाढ़ी ही नहीं निकली, सब बच्चे हैं अभी। ईमानदारी से बतला, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं कि
अल्लाह का इतना अजीम तरीन कलाम जिन लोगों के सीनों में महफूज हुआ, वो खुदा की कसम पूरी जिंदगी जितना नाश करे कि मालिक नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए हुकूमत, नहीं चाहिए बादशाहत, नहीं चाहिए वजारत, नहीं चाहिए खेती बाड़ी, नहीं चाहिए डिग्री, नहीं चाहिए कि MP बने और MLA बने, डॉक्टर और वकील बने। मालिक हम अपने इस नेमत पर जो आपने हमें दिया खुश है, हमें इस पर बाकी रखिए, हमारी इस नेमत को हमसे छीन न लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी बड़ी नेमत। और अल्लाह ताला का ऐलान है कि हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत का वादा किया, कुरान जिस पैगंबर पर उतरा, पैगंबर तो कुरान की भी हिफाजत होगी, नबी की नबूवत और ख़त्म नबूवत की भी हिफाजत होगी, और नबी के शागिर्द सहाबा किराम की अजमत की भी हिफाजत होगी, और जो उस तरीके पर चलेगा उसकी भी हिफाजत होगी। हम हिफाजत चाहते हैं जो जाऊं, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया हमारी भी। अब कुरान से तो जुड़े ना, और कहें अल्लाह जन्नत दे दे, कुरान से तो जुड़े ना, नबी से तो जुड़े ना, और कहें अल्लाह हुकूमत बदल दे, बदल जाएगी। हम सोचे अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत का वादा किया कुरान का, और हिफाजत के लिए चुना किसको? अब आपको सुन, आजकल इलेक्शन में ज्यादा समझ में आएगा, इलेक्शन में इलेक्शन वाले पार्टियां किसी को प्रभारी बनाती हैं, किसी को इलाके का इंचार्ज बनाती हैं, न जाने क्या क्या बनाती हैं कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है बूथ, तुम्हारी जिम्मेदारी बूथ में वोटिंग जाके डलवाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रचार करना। ये अल्लाह ताला ने इनकी जिम्मेदारी लगाई कि हमारे कुरान की हिफाजत करना। दुनिया दारुल असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे साथ जरूरतें लगी हैं, और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, बगैर कहे खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल समझ लो। तवक्कुल नाम है कि पहले जो असबाब इख्तियार कर सकते हो किसी भी काम में, उन असबाब को पहले इख्तियार करो, अपनाओ, और उसके बाद असबाब पर भरोसा ना करो। अल्लाह से कहो अल्लाह हमने ये कर लिया, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में। खेती बाड़ी करनी है, जाओ पहले जाकर के जुताई करो, हमवार करो जमीन, दाना डालो, सिंचाई वगैरह करो, निगरानी करो, सारा काम करने के बाद अब आगे दुआ करो, ए अल्लाह हमने काम किया, हमारे इस खेत में अच्छा गल्ला पैदा कर दे, इसमें कीड़े न लग जाएं, सैलाब ना आ जाए, इसमें कोई और मुसीबत ना आ जाए, अच्छे अच्छा अच्छा हमको इससे हमारा अच्छा दाना अता फरमा दे। लेकिन सब आप दाना न बोएं, अपने खेत में दाना न बोएं, और आकर के मस्जिद में इतिकाफ कर लें, मस्जिद में नहीं हरम शरीफ चले जाएं, काबा शरीफ में इतिकाफ कर लें, और तस्बीह नहीं तस्बा लेके बैठ जाए, इतने बड़े दाने का और हजार दाने का, अल्लाह गल्ला अल्लाह गल्ला अल्लाह गल्ला अल्लाह, जैसे हम मक्के से वापस जाएं तो हमारी पूरी ज़मीन बहुत शानदार लहलाती हुई नज़र आए, तो क्या आप अकलमंद कहलाएंगे कि साहब वाकई बहुत बड़ा ईमान वाला है भाई, अल्लाह पर इसको बहुत भरोसा, देखो न बीज बोया है, न बीज जुताई की, न सिंचाई की, और अल्लाह से मांग रहा है, शादी की नहीं लड़का मांग रहा है। पहुंच गया मुलायम खान साहब रात को 2 बजे, देखा मस्जिद में कोई रो रहा है, अल्लाह औलाद अल्लाह लड़का अल्लाह लड़का। मौलाना ने गौर से देखा अंधेरे में कि बहुत गिड़गिड़ा के रो रहा है, बड़ा ईमान वाला है, कोई रात को रो रहा है अल्लाह के सामने अल्लाह लड़का। तो देखा तो साहेबजादे महल्ले के, इनके अभी शादी ही नहीं हुई है, तो बीवी मांगता तो समझ में आता कि अल्लाह रिश्ता जल्दी से करा दे, माँ बाप को अकल देख दे, दौलत के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद न करें जहेज के चक्कर में, मगर वो तो लड़का मांग रहा। तूने गौर से देखा कि बेटे तुम्हारे बाप से सिफारिश कर दे, जानने वाले हैं, तुम्हारी जल्दी शादी करा दे। तो वो कहे मौलाना इनाम साहब इतने बड़े बुजुर्ग के आप खलीफा हैं, लेकिन अभी तक आपका ईमान नहीं बना है, क्या अल्लाह बगैर बगैर शादी के नहीं दे सकता? तो आप क्या कहोगे, बहुत ईमान वाला है, उनवा में क्या उसके फोटो लगवाओगे, और पूरे उन्नाव वाले आगे देखेंगे कि भाई उनवा में एक ईमान वाला पैदा हुआ।
या सुबह सुबह आप उनके अब्बा से कहोगे कि साहबजादे मोहतरम को जरा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्या करोगे भाई आप बताओ ईमानदारी से। अल्लाह ताला ने बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया, हजरत हव्वा को बिना बाप के बिना माँ के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हजरत ईसा। हमारा अकीदा है अल्लाह ताला ने जिस तरह को बिना बाप के अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी कुदरत से आसमान पर उठाया है और क़ुर्ब क़यामत में दुनिया में आएंगे, आसमान में जिंदा है। आज की तारीख में अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फौत शुदा मरा हुआ मानता है तो इस्लाम और ईमान से खारिज है, मुर्तद, इस्लामी अकीदा ही। तो तीनों मिसालें अल्लाह ने दे दी, हजरत आदम, हजरत हव्वा, हजरत, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया कि मियाँ ताल्लुकात होंगे तो औलाद मिलेगी, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े वली, ये सब उसी निज़ाम से पैदा हुए हैं, आसमान से नहीं टपके, अल्लाह का निज़ाम है दुनिया में हर चीज में। पहले सबब अख्तियार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में अगर किसी को मिले तो बतला देना, मैं कई जगह कह चुका उलमा की मजलिस में, एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलता कि नबी ने सबब अख्तियार ना किया हो, सबब के बाद अल्लाह से दुआ की। एक सहाबी आए मजलिस में, तशरीफ लाए, कैसे आए, सवारी से, कैसे, ऊंट से, जिसे सवारी का बाहर छोड़ दिया अल्लाह अल्लाह के भरोसे पर, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ पहले जाके बांधो, पहले जाके बांधो और अब अल्लाह पर भरोसा करो कि बांधने के बावजूद भी रस्से तोड़ा के जा सकता है। क्या मालूम है बयान सुनने में वो अल्लाह ही हाकिम और अल्लाह ही मुहाफिज और अल्लाह ही कादिर, और आपकी शानदार दुकान मालूम है रोजाना बन के आते हैं, आज आप पहुंचे वहां दुकान खोली छोड़ा है, बीवी ने डटे डटे पूछा कि क्या बात है, चाबियां रोजाना ला के रखते हो उसके बाद खाना वाना खाते हो, कह रहे नहीं हमने फला साहब का बयान सुन लिया, अल्लाह हाफिज, महफूज तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमारा सब माल महफूज रहेगा और अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं महफूज रहेगा। तो अब दुकान में ताली नहीं लगाया, शटर खुला छोड़ के चले आए, तो आप क्या कहेंगे, बहुत ईमान वाला हो गया जी? नहीं, शरीयत की निगाह में उससे बड़ा अहमक कोई नहीं। ताला लगाओ, एक ताला लगाओ, चार ताले लगाओ, अंदर के लगाओ, बाहर के लगाओ, सब जो असबाब होते, अब भरोसा करो मेरे मालिक हमने तो अपने ताकत भर कोशिश कर ली, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी हिफाजत होगी तो ताला बचेगा, आपकी हिफाजत उठ जाएगी तो ताला टूट जाएगा, फिर ताला भी टूट जाएगा। ये दुनिया का अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का वादा किया, ये दीन की हिफाजत भी हमसे आपसे होगी, आसमान से फरिश्ता नहीं आएगा, अल्लाह कादिर है, ये दीन की हिफाजत का जरिया। इसलिए मैंने कहा इनसे कीमती दुनिया में कौन होगा, ये अल्लाह के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं और कायनात का मालिक और रब जिनको अपने दीन की हिफाजत के लिए चुन ले उससे बड़ा कौन होगा। अल्फाज के लिए इनको चुना, माने के लिए उलमा को चुना, लबो लहजे के लिए कारियों को चुना, तो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, ये अल्लाह के दीन के मुहाफिजीन की जमात है रूह जमीन में, इनसे ज्यादा कीमती कोई दूसरा नहीं। शर्त ये है कि हमको भी अपनी कीमत का पता हो और कोई ऐसा काम न करे जो हमको अल्लाह की नजर से गिरा दे, ऐसा काम न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो उल्मा और हुफ्फाज से आला, अफजल, बुजुर्ग, बरतर रूए जमीन में इस वक्त कोई दूसरा, दो चार मिनट की बात और सुन लो, समझ में भी आता है। देखो दीन की हिफाजत, अहम बात बता रहा हूं, जब दीन की हिफाजत होगी तभी तो फैलाओगे। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके जेब में 100 रुपए हैं तभी तो किसी को देंगे, 100, 10, 50, आपकी जेबी खाली तो क्या देंगे। किसी भूखे को खाना कब खिलाओगे, जब आपके पास भी खाना होगा ना, क्या अपना खाओ दूसरों को खिला दो, क्या फैलाओगे। दीन, दीन कहाँ है, दीन नाम किसका है, पूरा कुरान, पूरी हदीस, पूरा शरीयत का निजाम और अकीदों की इस्लाह। बहुत जुमले हमने सुने, दोहराए देता हूं कि साहब अमल नहीं है तो बयान से क्या फायदा। बहुत शौक से बात दीनदार लोग भी कह देते हैं, कोई बेवकूफ कहे तो ठीक है,
जब अमल नहीं है तो बयान से क्या फायदा। ठीक, तस्लीम है, लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, याद करोगे मेरा जो जुमला अब मैं कहने जा रहा हूँ, याद रखोगे इंशाल्लाह। कौन कौन याद रखेगा, हाथ उठाओ कौन से, सुनो जो मैं कह रहा हूँ, बात छोटी सी है। जुमला चलता है अमल नहीं तो बयान से क्या फायदा, और मुझे माफ कीजिएगा मैं शरीयत की रोशनी में कह रहा हूँ, शरीयत से बाहर नहीं। अकीदे दुरुस्त नहीं तो अमल से क्या फायदा, अकीदे दुरुस्त नहीं ईमान जी, जी। अकीदे की दुरुस्तगी, अगर हमारा अकीदा बिगड़ा तो नमाज पे नमाज पढ़ो, रोजे पे रोजे रखो, हज पे हज करो, किस काम का, मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह एक अकीदा है, सारे अंबिया इकराम अल्लाह के नबी अकीदा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और आखिरी नबी। अगर कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, आला और अफजल मानता है, बुजुर्ग और बरतर मानता है, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, मुर्तद। वो फिर दिन भर नहीं, सुबह से शाम तक तस्बीहात पढ़े, नमाजें पढ़े, हज पे हज करे, मुंह पे मार दी जाएगी, कोई काम की नहीं। हजरत ईसा अलैहि सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए और वे क़यामत दुनिया में आएंगे, ये इस्लामी अकीदा। अगर कोई हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में कहता है कोई कादियानी, कोई शकीली, कोई परवेजी, वो तो मर गए ईमान से बाहर। क्यों अब खाली नेकियां कि साहब बहुत कुरान पढ़ते हैं और बहुत तिलावत करते हैं और बहुत कुरान के तफसीर बयान करते हैं और बहुत किताबें शाये करते हैं और बहुत साहब खिदमत करते हैं और साहब गरीबों को की मदद करते हैं और पानी पिलाते हैं और ये करते हैं, सारी नेकियां जब नेकियां बनेंगी जब अकीदा दुरुस्त होगा, और अकीदा बिगड़ गया तो दुनिया में हो सकता है उसका कुछ अजर मिल जाए, आखिरत में सिफर। लेकिन आज उम्मत बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम उतरेंगे, हजरत मेहदी जाहिर होंगे, हजरत इमाम मेहदी नाम सुना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तफसीलात बतलाई हैं, हम दो तीन मिनट में जरूर उसको बतला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह बतलाई, हजरत मेहदी कहाँ पैदा होंगे, कहाँ जाहिर होंगे, क्या नाम होगा, बाप का क्या नाम होगा, कैसे बैत करेंगे, खानदान क्या होगा, सब कुछ बतलाया। क्या बतलाया, हजरत मेहदी तो लकब होगा महदी, हिदायत याफ्ता, नाम होगा उनका नबी के नाम पर मोहम्मद, क्या नाम होगा, इमाम मेहदी का नाम क्या होगा मोहम्मद। अरे सब दोहराओ, और उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर उनका नाम होगा, मेरे बाप के नाम पर उनके बाप का नाम होगा। तीसरी बात, वो हजरत फातिमा की औलाद से होंगे, सैयद होंगे, और सैयद में भी दो शाखे हैं, हजरत हसन से हजरत हुसैन से, हुसैनी और हसनी, तो हुसैनी नहीं होंगे, हसनी होंगे, समझ रहे हो। ये सब किसने बतलाया, हजरत मोहम्मद पैदा होंगे, फिर उसके बाद बड़े होंगे, हालात दुनिया के बड़े खराब होंगे, उसकी तफसीलात है, लोग परेशान होंगे एक रहबर के लिए, तो मदीने मुनव्वरा में कुछ अल्लाह वाले हजरत मेहदी को पहचान लेंगे, इनको पकड़ेंगे कि भाई आप हमें बहुत नेक मालूम होते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी क़यादत कीजिए और दुनिया के हालात पर काबू पावें, हम आपके हाथ पर बैत करें, तो कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लोग कहेंगे नहीं नहीं आप ही हमारे समझ में आ रहे हैं, और वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ, और आखिरकार मदीने से गायब हो जाएंगे। अब लोग तलाश करेंगे कहाँ गए गायब, अब लोग आएंगे मक्का, हज का मौका होगा, जो भी मौका होगा, तवाफ कर रहे होंगे, तो ये अल्लाह वाले अल्लाह से मांग भी रहे होंगे, अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा, हालात बहुत ही आज से 10 गुना ज्यादा खराब होंगे, तो मक्के में मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, मदीने से तो गायब हो जाएंगे, भाग लेंगे गोया कि लोग हमको क्या बना रहे आज के दौर में हम लोग हों तो हम तो प्रचार करेंगे, आज तो देखिए आजकल प्रचार, हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुसलमानों का अमीर पूरी दुनिया का अमीर, वो अमीर बनाना चाहेंगे लोग, कायद बनाना चाहेंगे, नहीं नहीं मैं इसका अहल नहीं हूँ, लोग कहेंगे नहीं आप अहल हैं, हमारे समझ में आने नहीं, गायब हो जाएंगे, मक्के में फिर पकड़ जाएंगे, अल्लाह वाले तो बेचैन होंगे, अल्लाह वाले पकड़ लेंगे मक्के में, आप ही समझ में आ रहे हैं आप कहाँ गायब हो गए थे, फिर इनकार करेंगे। लेकिन जब ज्यादा इसरार अहलुल्लाह का होगा, अल्लाह वालों का होगा, तो फिर मक्के में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में बैठ करके लोगों के हाथ पर बैत करेंगे।
फिर जिहाद करेंगे, फिर दज्जाल निकलेगा और दज्जाल पूरे दुनिया में छा जाएगा, फिर जिहाद होगा और जिहाद में मुसलमान बहुत अच्छी हालत में पहले आ जाएंगे पूरी दुनिया में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता परेशानियों में घिर जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, पैदा हुए हैं 2000 साल पहले। हज़रत मेहदी जाहिर होंगे और दज्जाल निकलेगा। तीन लफ्ज बोले जाते हैं, नुज़ूल ईसा, ज़ुहूर मेहदी, खुरूज दज्जाल, ये सब अलग अलग। हज़रत ईसा अलग, लेकिन अफसोस ये, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने दावा किया हमारे हिंदुस्तान किसी ज़माने में था कि हिंदुस्तान डुप्लीकेट माल बनाने में बहुत माहिर है। तो यहाँ एक डुप्लीकेट नबी पैदा हो गया था गुलाम अहमद कादियानी, कादियान में। उससे पीछा तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उलमा ने समझाया, लोगों को समझ में आई। तो अब एक शकील नाम का पैदा हो गया है, शकील नाम का, बाप का नाम है हनीफ, बिहार में दरभंगा जिले में उस्मानपुर गांव का रहने वाला, काफी दिन तक दिल्ली में रहा, जमातों में खूब जाता रहा, और वहीं से उसने फतना पैदा शुरू किया, और उसके बाद दावा कर दिया कि मैं मेहदी हूं। अब क्या कहा जाए, बुरा ना मानिएगा, खाली बतलाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मेहदी कौन होंगे, नाम क्या होगा, इसलिए मैं रटा रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को, औरतों को, जवानों को, सबको बतला दें। हज़रत मेहदी का नाम होगा मोहम्मद। क्या नाम होगा? मोहम्मद। बाप का नाम अब्दुल्लाह। कहाँ 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 जाहिर होंगे? मक्का। अरे कहाँ जाहिर होंगे? मदीने में। अरब होंगे वो, अजमी नहीं होंगे, इंडियन नहीं होंगे, अरबी होंगे, वहीं की पैदाइश होगी, वहीं जाहिर होंगे, मदीने में, मक्के में बैत होगी। खानदान सादात में भी हुसैनी नहीं होंगे, हसनी होंगे। ये इसलिए भी याद करा दूं मैं आपको, याद कर लीजिए कि ये शिया बिरादरी जो है हमारे मुल्क की, वो भी एक इमाम गैब का अकीदा रखती है कि 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ और न जाने क्या क्या लेके भाग गए, कुर्बे क़यामत निकलेंगे। तो वो कब निकाल देंगे, कब अमेरिका से और इसराइल से पैक्ट होकर के आलमी मीडिया उसका हंगामा मचाए। पर पहली पहचान, हजरत मेहदी हसनी होंगे, हुसैनी नहीं होंगे। लिहाजा शियों के जो आएंगे वो हुसैनी होंगे, इमाम मेहदी हो ही नहीं सकते। और ये शकील, अब क्योंकि यहाँ हमारे बहुत से खान साहब लोग हैं तो बुरा ना मानिएगा, समझाने के लिए कह रहे कि वो खान है, क्या है, सैयद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो कोई जोड़ी नहीं है। अब बताइए, तो वो कहता है कि साहब मदीने से मुराद दिल्ली, मदीने से मुराद गुलाम अहमद कादियानी भी कहता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अलामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, जिंदा आसमान पर जब आएंगे तो दमिश्क में, मुल्क शाम में, दमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे उसके मीनारे पर, और नमाज खड़ी हो रही होगी। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि वो तो आसमान से उतरेंगे, एक तो तू पैदा हुआ, और फिर वो मीनारे पर उतरेंगे। तो उसने कहा मीनार बनवाओ, पहले पैदा हो गया बाद में मीनार बनवाई। इतने बड़े बड़े पागल गुजरे हैं, मगर इन पागलों को भी मानने वाले हो जाते हैं। इसलिए बहरहाल कुरान बहुत बड़ी दौलत है, कुरान के अल्फाज भी, मानी भी। अल्लाह पाक इन बच्चों को अपनी कीमत पहचानने की, और इनके माँ बाप को जो हश्र में मिलेगा ताज, उनको अपनी कीमत पहचानने की काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे भी, और इनके माँ बाप, इनके घर वाले भी, और इनका मदरसा भी, और मदरसे के असाज़ा भी, और जो लोग मदरसा चला रहे हैं और मदरसे का तआवुन कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सब भी मोहब्बत करते हैं उलमा इकराम से कि इतनी रात हो गई आप शौक़ से कुरान की नस्बत पर आए, अल्लाह पाक इन बच्चों को, इनके घर वालों को, इनके माँ बाप को, इनके असाज़ा को, इनके मदरसे को, हमको, आपको, सारे मोमिनीन को, और उलमा और तलबा से मोहब्बत करने वाले सबको दुनिया में भी बेहतरीन अजर अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। और कुरान से सच्चा ताल्लुक़, नबी से सच्चा ताल्लुक़, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की वहदानियत, सहाबा इकराम से मोहब्बत, और ये अल्लाह बुजुर्गान का तरीक़ा, ये सारा जो इस्लामी सिस्टम है उस सिस्टम को अपना करके अल्लाह पाक हमें अपनी दुनिया भी अच्छी बनाने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत भी। वाखुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह, माशाअल्लाह, हज़रात इंतहाई कीमती बयान आप हज़रात ने समाअत फरमाया, और अभी आपको 2 बयान इंशाअल्लाह और भी समाअत करने हैं।
मैं हाफिज शुएब बलरामपुरी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत मार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने नाज शरीफ पेश फरमाए। ये नाज जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बहुत उम्दा नात है, इसे आप जरूर गौर से सुने, हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने, जाने की फिजा ना बनाए। अगर कोई जरूरत से जा रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह वापस आए। अभी नमूने असलाफ खलीफे मुहय्यु सुन्ना हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब कासिमी दार बरकातहुम और हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब बहराइची दार बरकातहुम, इन दोनों बुजुर्गों का हमें बयान इंशाल्लाह सुनना है। हाफिज शुएब बलरामपुरी।